हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और सबसे पहले मेरा काम है चाय बनाना, तो मैं चाय बना लेती हूँ। बॉयल हो गया है और सब्ज़ी बनाने के लिए मसालों को पीस लेती हूँ। मसाला में मैंने यहाँ पे जैसे कि लहसुन, अदरक, काली मिर्च, यही सब लिया है और बाकी मसाला है बस यही सब मसाला, और जीरा भी लिया है। और ये देखिए दूध हमारा इधर गिर गया है, जब तक मैं मसाला पीस रही थी तब तक इधर दूध उबल के गिर गया है, तो मैंने गैस को बंद कर दिया और तो मसाला भी मेरा पिस गया है और मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और इधर मैंने दूध वाला गैस बंद कर दिया था, फिर से मैंने जला दिया है क्योंकि दूध तो गिर गया था उबलकर, लेकिन अच्छे से खौला नहीं था, तो अच्छे से मैंने खौलाने के लिए फिर से जला दिया था, तो दूध भी हमारा गर्म हो गया है। और मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे सोयाबीन को पहले ही भून लिया था और आलू को भी फ्राई करके निकाल लिया था। उसके बाद मसालों को भून कर इसमें अब पानी डाल देते हैं। अभी नमक डाल रही हूँ और पानी डाल के मैं इधर देखिए मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने, और जब तक सब्ज़ी उधर पक रहा है तब तक इधर जो कुछ बर्तन हो गए थे गंदे उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे क्या है ना कि ऐसे जल्दी जल्दी काम हो जाता है ना। और बर्तन तो मेरा धुल गए, अब मैं इधर आटा भी लगा लेती हूँ रोटी बनाने के लिए। सब्जी दोनों ही बन गया है, नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इधर साफ़ कर लेती हूँ गैस को, जो गंदे हो जाते हैं ना खाना बनाते समय, तो उसको साफ़ कर लेती हूँ। और इधर मैं आ गई हूँ फ्रिज साफ़ करने, ज़्यादा तो गंदा नहीं हुआ था बट थोड़ा सा गंदा हो गया था, जैसे खाना रखते हैं ना जहाँ जहाँ खाना रखते हैं वहाँ पर ज़्यादा गंदा हो गया था, तो वही मैं साफ़ कर देती हूँ थोड़ा सा। और देखिए फ्रिज को मैंने साफ़ कर ली, तो किचन का काम तो ख़त्म हो गया, अब चलती हूँ रूम में और रूम का भी जो साफ़ सफाई है वो कर लेती हूँ।
तो बस धूल मिट्टी जो आ जाते हैं डेली की डेली वही साफ़ कर लेती हूँ, और डेली आ जाते हैं, पता नहीं, सुबह साफ़ करो शाम को टेबल पे देखो तो धूल जमा है। बस यही डेली साफ़ करो, झाड़ू लगाने से पहले यही धूल मिट्टी साफ़ कर लो। फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता बन गया है और अभी थोड़ा सा मैं हवा खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो तो मैं किचन से आई ना नाश्ता बनाकर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करूँ, तो वही मैं बैठकर थोड़ा सा हवा खा रही थी और बच्चों लोग को बोल रही थी ब्रश कर लो। तो देखिए मेरा रूम का भी झाड़ू लग गया है और मैं किचन में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद एक रूम और है उसमें भी झाड़ू लगाऊंगी, और उसके बाद किचन है और बालकनी है, तो मैं सब में झाड़ू लगाकर उसके बाद पोछा लगा लूँगी, और उसके बाद सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बस उसके बाद जाऊंगी नहाने, और नहाने के बाद नाश्ता करना है और सबको नाश्ता करवाना है, बाबू लोग नहा लिया है तो बस मैं बची हूँ, बस मैं भी यही झाड़ू पोछा करके मैं भी नहा लूँगी, मेरा काम कंप्लीट है। सो गाइज, मैं नहा कर आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, ये मेरा नाश्ता है, मैंने सबको नाश्ता करवा दिया है, और नाश्ते में मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी रोटी और आम है, और मैं नाश्ता करके आप लोग से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, नहाकर मैं आ गई हूँ और नहाए हुए मुझे 1 घंटा हो गया है, और 1 घंटा में मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया, खुद भी नाश्ता किया और हस्बैंड को भी नाश्ता करवाया, और अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं तो मैंने सोचा कि फ्री हो गई हूँ तो लोग से थोड़ी सी बातें कर लूँ, और सुबह के जितना भी काम होता है ना, झाड़ू पोछा नाश्ता बनाना, वो मेरा सारा कंप्लीट है, और बच गया है दोपहर का लंच बनाना, तो सब्जी तो बनी हुई है और दाल नहीं बनाऊंगी आज, और सब्जी चावल ही हम लोग खाएंगे, तो चावल बनाना है तो चावल को भी मैंने धो कर रख दिया है, बस पे उसे चढ़ाना है और बनाना है, बस यही काम बच गया है, और मेरा सारा काम सुबह का कंप्लीट हो गया है। आप लोग को थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगे ना तो सो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, इससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगी ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी, और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।